नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हम आपके एकांकी विभाग से जो है प्रतिशोध दूसरी एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ इसको हम देख रहे थे। तो यहाँ पे ये जो एकांकी है उसका मुख्य पात्र है संस्कृत के महाकवि भारवी, उनके माता पिता और उनके बीच भारवी के बीच हुए घटना का उल्लेख है। तो यहाँ पे श्रीधर भारवी के पिता, सुशीला भारवी के माता है। तो अभी इनके दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है, कई दिन हो गए, 2 दिन से ज्यादा हो गया है कि भारवी घर नहीं लौटा है और माता चिंतित है। पिता भरसक प्रयास यानी कि बार बार प्रयास कर रहे हैं माता को समझाने का कि वो आ जाएगा, वो कहीं नहीं गया, लेकिन माता सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी दौरान पिता को बेफिक्र होते देख सुशीला उन पर एक आरोप लगाती है कि आपकी वजह से भारवी कहीं चला गया है, आपने ही अवश्य उसे घर से निकाला होगा। उसी दौरान बातचीत के दौरान पता चलता है कि श्रीधर ने ही भारवी को कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो घर छोड़ के गया है। तो वो बातें क्या है कि भारवी बहुत से शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्रों की लड़ाई में बहुत सारे पंडितों को हरा चुका है और हराते हराते उसके अंदर एक अहंकार घमंड सा उत्पन्न हो गया है, जिसे देखकर भारवी के पिता श्रीधर पंडित श्रीधर एक तरह से चौंक गए और उसको समझाने के हेतु वे ऐसा दंड दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे सुशीला उसको समझ नहीं रही है और ये समझती है कि अवश्य ये उसके पुत्र की उन्नति से जलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न करती हो तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या यानी कि जलना। श्रीधर कहता है देखिए आगे, मूर्ख हो तुम भी, क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है। यहाँ पे ये सोच लेना कि पुत्र को देखकर पिता ईर्ष्या करता है, शिष्य को देखकर गुरु ईर्ष्या करता है, ऐसा सोचना मूर्खता है, क्योंकि गुरु के बिना शिष्य नहीं है, पिता के बिना पुत्र नहीं है, ये बात समझ लेना बहुत आवश्यक है। और जहां तक आप देख लीजिए, कभी भी कोई भी शिष्य गुरु जितना परिपूर्ण नहीं बन सकता। गुरु गुरु ही होता है, पिता पिता ही होता है, तब तक कि जब तक वो खुद पिता नहीं बन जाता या गुरु नहीं बन जाता तब तक। उसके बाद शायद वो कह सकता है कि मैं गुरु से बढ़कर हूं या उनसे आगे हूं, लेकिन कभी गुरु नहीं कह सकता कि मैं अपने शिष्य से जलता हूं। तो यहाँ पे भी वही बातें हो रही है, क्या बीजापुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा। बीजापुर मतलब जिस बीज से पौधा निकला हुआ है, कभी वो बीज अपने पौधे से ईर्ष्या कर सकता है, क्योंकि पौधे तो हम बाहर से देखते हैं, बीज को नहीं देख पाते, जमीन के अंदर रहता है, बीज को नहीं देख पाते, सिर्फ पौधे की खूबसूरती, उसके अंदर उठने वाले फूलों की खूबसूरती की तारीफ करते, कभी बीज की तारीफ नहीं करते। उससे कभी वो बीज जलता है नहीं, क्योंकि उससे ही उत्पन्न होना वाला पौधा है तो वो क्यों जलेगा। अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा, किंतु मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दम्भी हो। मेरा पुत्र दम्भी यानी कि अहंकारी, एक तरह से दूसरों को देखकर जलने वाला दम्भी एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए सुशीला कहती है, तो आपने उससे ताड़ना दी। ताड़ना यानी कि आपने उसको डांटा। श्रीधर, हाँ मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी। मैंने केवल उसको डांटा नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़कर बहुत कुछ सुनाया। सुशीला, क्या कहा आपने, क्या क्या बोला। श्रीधर, मैंने कहा कि तुम महामूर्ख हो, दम्भी हो, अज्ञानी हो। मैंने क्या कहा भारवी से कि वह महामूर्ख है, दम्भी है और अज्ञानी है। एक महापंडित कवि से संस्कृत में इतने सारे कॉम्पिटिशनों में बहुत सारे पंडितों को परास्त कर चुका है, इतना महाज्ञानी को अगर कोई जाकर या उसका पिता जाकर ये कहे कि वो मूर्ख है,
दम्भी है, अज्ञानी है, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? यहाँ पे भारवी से सीधे सीधे ये बातें बोलने की वजह से ये पिता से नाराज हो गया। सुशीला, यह आपने भारवी से एकांत में कहा या पंडितों के सामने? देखिए यहाँ पे एक बातें आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ, क्लासरूम में कोई बच्चा शरारती करता है, शरारत करता है, वो थोड़े प्रमाण में है तो वही पे उसको डांट के बिठाते हैं, कोई बड़े प्रमाण में कर रहा है तो उसको अकेले में ले जाके समझाते हैं, उसके बाद भी वो नहीं समझा तो पूरे क्लास में उसको दंडित करना, पूरे क्लास के बीच उसको खड़ा करके शिक्षित करना, समझाना अनिवार्य होता है। और यहाँ पे भी वही हुआ है, माता पूछ रही है सुशीला कि आपने भारवी को एकांत में कहा या सबके सामने? श्रीधर, पंडितों के सामने मुझे किसका संकोच है, मैंने किसी को क्या कहते हैं अकेले में ले जाकर या एकांत में ले जाकर समझाने का प्रयत्न नहीं किया, मैंने सबके सामने ही समझाया, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुका है, अपने अहंकार के स्वभाव में बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए मैं उसको एकांत में समझाना सही नहीं समझा, सबके सामने ही समझाया और मुझे किसी बात का संकोच नहीं है, पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया, अर्थात उसको डिसिप्लिन का महत्व समझाया कि कैसे आचरण करना है, वो सब कुछ मैं पंडितों के सामने ही बताया। सुशीला, पंडितों के सामने ही, पंडितों ने क्या कहा? पंडितों के सामने ही आपने सब बातें कही तो पंडित जो उनसे हार चुके हैं, भारवी से हार चुके हैं, उन्होंने क्या किया? श्रीधर कहते क्या, वे भारवी को भारवी की ओर देखकर हंसने लगे, भारवी के स्वर में ही बोल कर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। क्या किया पंडितों ने, बाकी पंडितों ने? वो सभी भारवी की तरफ देखकर हंसने लगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है जब किसी को आप डांट रहे हैं तो दूसरों को बहुत मजा आता है, दूसरों को बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि जो डांट फटकार उसे अब तक नहीं मिली थी आज मिल गई, या उसकी उन्नति से जलने वाले या उसकी तरक्की से जलने वाले लोग अक्सर उसको डांट खाते हुए देखकर हंसते हैं, तो यहाँ पे भी वही हुआ। और यहाँ तक कि भारवी के ही अंदाज में बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे और तालियां पीटने लगे। सुशीला, ओ और बेचारा भारवी चुपचाप खड़ा रहा? प्रश्न करते कि बेचारा भारवी चुपचाप खड़ा रहा? श्रीधर, भारवी ने एक बार वैदिक दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर ग्लानी से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया और चुपचाप एक ओर चला गया। भारवी ने क्या किया, पहले व्यतीत दृष्टि से, दुखी मन से और पश्चाताप की मन से, या फिर कह सकते हैं कि जब डांट पड़ती है तो कुछ अंदर से उत्पन्न होता है ना, वैसे स्वभाव से उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर शर्म से अपने हाथों से मुख छुपाया, उसके बाद चुपचाप किसी और चला गया, एक ओर चला गया, कहाँ पे पता नहीं, और आपने रोका नहीं उसको? सुशीला पूछ रही, आपने रोका नहीं? श्रीधर, नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे होती? यदि मैं उसको रोकता तो अनुशासन कैसे बनता? अगर डांट खाया हुआ व्यक्ति उसी वक्त उसको समझाने के लिए जाएंगे तो उसका डांट का असर नहीं रहेगा, उसको डांट खाने के पश्चात कुछ देर अकेला छोड़ दो, उसको खुद समझ में आए कि उसने गलतियां क्या की है, उसके बाद उसको समझाने जाएंगे तो समझेगा, लेकिन उसी वक्त उसको समझाने के लिए जाएंगे तो कहेगा ये तो मजाक किया डांटने का। तो यहाँ पे भी पिता के अनुशासन में बंधे रहने के कारण है भारवी चला गया है। और आगे देखिए, सुशीला मोह में मत पड़, सॉरी सुशीला कहते मेरे लाल से अधिक प्रिय आपका अपने अनुशासन की और मर्यादा है, मेरे पुत्र से ज्यादा आपको अपने अनुशासन की मर्यादा है, प्रश्न कर रही है, मेरे पुत्र इतना अपमानित होकर गया और आपको लग रहा है कि आपकी अनुशासन की मर्यादा चली जाएगी इसलिए आपने उसको रोका ही नहीं? श्रीधर, सुशीला मोह में मत बहो, अनुशासन की मर्यादा
पर बड़े बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन के ऊपर चलने वाले लोग हैं, बड़े बड़े बलिदान को दे देते हैं। यहाँ पे मर्यादा ही सबसे ज्यादा है, मर्यादा के आगे सब कुछ निछावर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक राक्षस कुल में जन्म लेने वाला बलि चक्रवर्ती नामक व्यक्ति, इतने अच्छे कर्म करके उसने अच्छा नाम कमाया था कि एक ना एक दिन उसको स्वर्गाधिपति बनाने का निर्णय हो रहा था। उस वक्त समस्त देवलोक और इंद्र सभी लोग परेशान होकर विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि बलि चक्रवर्ती इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, इतने दान दक्षिणा कर रहा है, कहीं उसके अच्छे कार्य की वजह से उसको स्वर्ग में स्थान ना मिल जाए। एक राक्षस को स्वर्ग में कैसे स्थान मिल सकता है? तो उस वक्त विष्णु ने देवताओं को विश्वास दिलाया कि वो आगे नहीं बढ़ेगा और खुद वामन वेश में, एक छोटे कदकाठी वाले ब्राह्मण के वेश में गए और वहां पे जाकर उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। यहाँ पे देखिए मर्यादा, एक दान देने वाली मर्यादा में रहने वाले बलि चक्रवर्ती ने अपने कुलगुरु शुक्राचार्य के समझाने के बावजूद भी वो मर्यादा तोड़ना सही नहीं समझा और उन्होंने उसको वचन दे दिया कि तुम जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। और उसी वचन के कारण है इस वामन रूपी विष्णु ने उनसे तीन पैर जमीन मांगे, जहां पे मैं पैर रखूं वो जमीन मेरी होनी चाहिए। और यहाँ पे बिना सोचे समझे वचन देने के कारण बलि चक्रवर्ती ने उसको मान लिया और वामन रूपी विष्णु ने एक विशाल रूप धारण करके एक पैर धरती पर, दूसरा पैर आकाश में रख लिया, तो आकाश और धरती दोनों उसके हो गए। अभी तीसरा पैर कहाँ पे रखें वो प्रश्न करते हैं। तो बलि चक्रवर्ती अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, अपने वचनों को बचाने के लिए क्या किया उन्होंने कि तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रखो और मुझे मुक्त कर दो इस बंधन से। और उस तरह से अपने बलिदान को देकर अपनी मर्यादा को बचा लिया। तो यहाँ पे इस उदाहरण को देते हुए मैं कह सकता हूँ कि मर्यादा का पालन करने के लिए या अनुशासन की मर्यादा का पालन करने के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए जा सकते हैं। और दो उदाहरण मैं कल की कक्षा में बताऊंगा कि किस तरह से मर्यादा पर खड़े होकर कितने लोगों ने बलिदान दिया है। तो कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।